तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि यूटीआई पेन का जो है कूपन किस तरह से परचेज किया जाता है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं करण मेहता और आप देख रहे हैं टॉक ज्ञान। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो सबसे पहले कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और गूगल में लिखना है UTI login.in, लिख करके सर्च पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यूटीआई का जो है पोर्टल ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पे जो कॉर्नर में दिख रहा है यूजर लॉगिन, उस पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आप अपने यूजर नेम को लिख लेंगे, यानी कि अपने यूजर आईडी को फर्स्ट वाले कॉलम में लिखना है, सेकेंड वाले कॉलम में पासवर्ड लिख लेना है। पासवर्ड डालने के बाद आप साइनिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे साइनिंग हो चुका है मेरा। साइनिंग होने के बाद ये वाले पॉपअप को कट कर देना है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है बैलेंस, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक QR कोड आ गया हुआ है। अब इसमें आप जो है फोन पे या फिर गूगल पे के माध्यम से स्कैन करके जितना कूपन लेना चाहेंगे, 2 कूपन, 4 कूपन, 5 कूपन स्कैन करके अमाउंट पे कर देना है। तो फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करने के बाद उसमें जो UTR नंबर होता है उसको यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट वेरीफाई हो चुका है, यानी कि मेरे वॉलेट में आ गया हुआ है। अब यदि आपको चेक करना है कि मेरे वॉलेट में बैलेंस क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, उसके बाद पॉपअप को कट कर देना है। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं वॉलेट में मेरा 194 रुपये बैलेंस क्रिएट हो चुका है। बैलेंस क्रिएट होने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे कूपन को परचेज करना है। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे UTI PSA, यहाँ पे परचेज कूपन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाले कॉलम में अपना VLE ID को लिख लेना है। सेकेंड वाले कॉलम में आपको कितना कूपन परचेज करना है उतना यहाँ पे लिख लेना है। तो ये दोनों को सबसे पहले हम भर लेते हैं, अपना VLE ID और यहाँ पे हमको कितना कूपन परचेज करना है वो लिख लेते हैं। लिखने के बाद परचेज नाउ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परचेज कूपन सक्सेसफुली, यानी कि मेरा कूपन जो है परचेज हो चुका है। तो परचेज होने के बाद हमको अब ये देखना है कि मेरा कूपन जो है UTI के पोर्टल में डिपॉजिट हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे गूगल को खोल लेना है और यहाँ पे लिखना है PSA login, लिख करके सर्च पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो दिख रहा है फर्स्ट में PSA login पेज, इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो है UTI का पोर्टल खुल चुका है। तो अब यहाँ पे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल लेना है। तो हम यहाँ पे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को डाल लेना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल कूपन, यहाँ पे मेरा 2 पीस दिख रहा है, यानी कि मैंने 2 UTI से 2 कूपन परचेज किया था जो मेरा यहाँ पे शो होने लगा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि UTI का पेन कूपन जो है किस तरह से ऑनलाइन परचेज किया जाता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।